Fitness and right nutrition should always complement your lifestyle. It should not be a thing that is hampering you and your surrounding. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीत देवलाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू VCAF. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो 7 worst dieting mistake that people usually do while doing a weight loss or fat loss. But before digging into the topic, let's roll the intro. गाइस, किसी भी वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी में न्यूट्रिशन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. एक सही न्यूट्रिशन प्लान आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को जल्दी अचीव करने में, और इसी के साथ साथ ये आपको हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में, और आप अपने कैलोरी डेफिसिट को एक लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाते हैं. फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक मिस्टेक दैट पीपल डू इज नॉट हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर मील्स. मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब भी अपनी वेट लॉस या फैट लॉस का न्यूट्रिशन डिजाइन करते हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स या मील्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम उन्हीं मील्स को ऑन अ रेपिटेटिव वे कंज्यूम कर रहे होते हैं. गाइस, जब हम बात कर रहे हैं वेट लॉस या फैट लॉस की, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि आपके फैट लॉस या वेट लॉस का प्राइमरी रीजन होता है कैलोरिक डेफिसिट. सो गाइस, जब भी आप अपना न्यूट्रिशन प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को सेट करके आपके न्यूट्रिशन प्लान को डिजाइन करना होगा. जब आप कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को रोज कंज्यूम करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उन फूड आइटम्स से बोर हो जाएंगे, और ये एक प्रैक्टिकल थिंग नहीं होगी आपके फैट लॉस की जर्नी को सस्टेनेबल बनाने के लिए. गाइस, आप लोग अपनी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो दैट आप अपने फैट लॉस को बोरिंग नहीं बना रहे हैं और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं. कैरिंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक, एंड दैट इज इग्नोरिंग योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटेक. जब भी हम बात कर रहे हैं किसी फैट लॉस या वेट लॉस की, तो अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को सेट करना, जो कि है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इज रियली इंपॉर्टेंट. बट एट द सेम टाइम आपको आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हैं विटामिंस, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं. बिकॉज जब हम बात करते हैं एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल फैट लॉस की, तो आपको आपकी ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करना है, और बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आपके फैट लॉस में बहुत हैम्पर कर सकती है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना ही हमारे सिर्फ फैट लॉस में हेल्प करते हैं, बट ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. गाइस, विटामिंस लाइक विटामिन B1 हेल्प्स टू कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी. विटामिन B2 आपको हेल्प करता है आपके एनर्जी प्रोडक्शन में. इसी तरीके से विटामिन B12 आपको हेल्प करता है आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने में, एंड इट रियली हेल्प्स यू इन योर ब्रेन फंक्शनिंग एज वेल. आप सभी लोगों को पता है दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम एंड आयरन फॉर योर बोन हेल्थ. सो जब भी आप अपना न्यूट्रिशन प्लान डिजाइन कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट आप अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को भी उस न्यूट्रिशन प्लान से फुलफिल कर रहे हैं. थर्ड मिस्टेक इज स्ट्रेसिंग ऑन योर चीट मील्स. ये मिस्टेक जनरली मेरे जैसे लोग करते हैं जो कि दे आर रियली इनटू फिटनेस. ड्यूरिंग माय इनिशियल इयर्स मैंने भी बहुत बार किया है दैट जब भी मैं कोई पिज्जा या बर्गर या कोई चीट मील खाता था तो मेरे अंदर एक रिग्रेट या वो गिल्ट का फैक्टर रहता था. बट मैंने ये चीज ओवर द टाइम एक्सपीरियंस की दैट जब हम बात करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, सो राइट न्यूट्रिशन इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, बट एट द सेम टाइम इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंजॉय योर लाइफ एज वेल. सो जब भी वंस इन अ ब्लू मून आप कोई चीट मील ले रहे हैं, सो यू मस्ट एंजॉय योर चीट मील्स विदाउट एनी रिग्रेट, बिकॉज समटाइम्स चीट मील्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्योंकि गाइस, जब आप एक लंबे टाइम तक डाइटिंग पर होते हैं, सो योर बॉडी आस्क फॉर दीज काइंड ऑफ चीट मील्स, और ये चीट मील्स खाने के बाद आप दोबारा से अपनी डाइट को एक फ्रेश स्टार्ट दे पाएंगे. सो यू मस्ट एंजॉय योर चीट मील्स. गाइस, अनदर मिस्टेक इज नॉट फॉलोइंग अ सस्टेनेबल डाइट प्लान. जब हम बात करते हैं किसी भी फैट लॉस या वेट लॉस प्रोग्राम की, तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम ऑफ 4 वीक्स अप टू 12 or 16 वीक्स. सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से लेकर बहुत सारी अलग चीज़ें भी करेंगे. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू पिक दोज फूड आइटम्स जो कि आपके आसपास बहुत ईजिली अवेलेबल हों, ताकि आप अपनी मील्स को ईजिली ले पाएँ. गाइस, कोई भी फैट लॉस या वेट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता है. जैसे ये वेट या फैट आपकी बॉडी में ओवर द टाइम एक्यूमुलेट हुआ है,
सो इसी तरीके से इसको जाने में भी टाइम लगेगा। सो सिर्फ एक हफ्ता या दो हफ्ता डाइटिंग करने से आप अपने वेट लॉस या फैट लॉस के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर डाइट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशंस। गाइज, जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला दैट फिटनेस शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर लाइफस्टाइल, बाय दिस आई मीन फिटनेस और एक राइट न्यूट्रिशन आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिम ज्वाइन करते हैं एंड दे स्टार्ट देयर बॉडी बिल्डिंग जर्नी, बट वो लोग अपने सोशल सर्कल को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। गाइज, मैंने भी अपने फिटनेस के इनिशियल ईयर्स में ये मिस्टेक की थी दैट मैं कंप्लीटली जिम फ्रीक बन चुका था, मैं अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल कट कर चुका था। गाइज, डोंट बी दैट जिम जर्क जो कि सिर्फ जिम जाके वेट्स लगा रहा है एंड वापस घर आके वही सेम मील्स को ऑन अ डेली बेसिस ले रहा है एंड अगेन सेम रूटीन को फॉलो कर रहा है, बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव दैट सोशल लाइफ। अनदर मिस्टेक दैट पीपल डू इज नॉट एडुकेटिंग देमसेल्फ। गाइज, इट इज रियली गुड दैट इफ यू आर हायरिंग अ ट्रेनर और अ न्यूट्रिशनिस्ट फॉर योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, बट जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की, सो आप चेंजेस कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ एंड योर बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट यू हैव। सो जब भी आप किसी ट्रेनर या फिर किसी मेंटोर से गाइडेंस ले रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप उसे क्रॉस चेक कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी ओनली यू जो कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा। इट विल बी यू हु विल बी पुटिंग द हार्ड वर्क एंड इट विल बी यू जिसकी बॉडी के साथ चेंजेस होंगे। सो मेक श्योर कि आप उसे क्रॉस चेक कर रहे हैं, बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज लीड्स यू टू द राइट डेस्टिनेशन। गाइज, अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं, सो यू कैन करेक्ट राइट अवे टू इन्जॉय योर फैट लॉस जर्नी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प होती है, सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और उस लाइक बटन को भी दबाएं। आई विल सी यू सून गाइज, टिल देन स्टे हेल्दी माई फ्रेंड, बिकॉज फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ यू।